नमस्कार, मैं एडीजे न्यूज में आज हम वेदांता में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के साथ हैं, जो बोन्स और ज्वाइंट स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में और वेदांता के बारे में। सर, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है। मैं वेदांता में बोन एंड ज्वाइंट सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैं बेसिकली हमारा जो बेसिक जो सेंटर है, हमारा गुड़गांव का मेन सेंटर है, उसमें ही हूँ मैं। वहाँ से मैं यहाँ लखनऊ रेगुलरली विजिट करता हूँ। विजिट करने का पर्पज यही रहा कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे रहे जो वहाँ पे दिखाते रहे, उनको सर्जरी कराते रहे, उनको फॉलोअप के लिए कुछ दिक्कतें होती रही, तो इस पर्पज से मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अच्छा लगा और अभी तो बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, सबको मैं परामर्श देता हूँ जिसको उचित इलाज करता हूँ, तो काफी खुश भी है, लोगों को उसके फायदा मिल रहा है उसका। तो सर, हम वेदांता के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि वेदांता क्या है, इतने टाइम से चल रहा है, तो इसके पीछे का क्या ओवरव्यूज है, इनका विजन क्या है? जब वेदांता पहले सबसे पहला सेंटर जो है वो गुड़गांव में खुला था, तब डॉक्टर नरेश सिंह का था कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट सबको एक ही अस्पताल में, एक ही छत के नीचे सबको मिले, इस विजन के साथ वेदांता ओपन हुआ था। और धीरे धीरे वेदांता अपने इस उद्देश्य को पूरा करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है और अफोर्डेबल प्राइस में वेदांता में गुड़गांव में मिलता है। इसी चीज़ को और एक्सटेंड करने के लिए डॉक्टर नरेश त्रिहान ने लखनऊ वेदांता को उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, अभी जो लखनऊ वेदांता जो बन के लगभग तैयार हो गया है, अगले कुछ ही महीनों में उसका उद्घाटन होगा। वो इसलिए बन के तैयार किया गया है जिससे यहाँ के लोगों को, जो यूपी या इस तरह जो ईस्ट यूपी पड़ोस के जो लोग हैं, उनको वही ट्रीटमेंट मिले जो वेदांता गुड़गांव में मिलता था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन उन्हें वाकई उस स्टैंडर्ड के ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो उनको नहीं मिल पा रही थी, उस चीज को फुलफिल करने के लिए वेदांता लखनऊ खोला गया है। वेदांता लखनऊ भी मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हर स्पेशलिटी के जब टॉप मोस्ट डॉक्टर होंगे वो यहाँ पे होंगे, जो बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ मिल सकता है, जो अवेलेबल कराया जा सकता है, वो यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह वेदांता बोन जॉइंट में भी यहाँ पे जो डॉक्टरों का ग्रुप होगा वो एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर ही रहेंगे, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्जरी से हो चाहे बिना सर्जरी को, वो यहाँ पे मिलेगा। सर, मैं जानना चाहूंगा इसकी स्टार्टिंग फीस अराउंड कितनी होगी, जैसे नॉर्मल होते हैं लोग, क्या वो भी अफोर्ड कर सकते हैं या सिर्फ एक हाई क्लास बंदा ही अफोर्ड कर सकता है? वेदांता में अगर आप, मैं वेदांता गुड़गांव की बात अगर कर लूँ, तो अगर आप वहाँ पे डॉक्टरों की फीस को आप कंपेयर करो, या वहाँ पे जो जो सर्जरी के जो चार्जेज होते हैं, अगर आप किसी भी अगल बगल पड़ोस के अगर अस्पतालों से तुलना करोगे, तो उससे कंपेरेबल पड़ोगे, कोई ज्यादा नहीं। वो ऐसा कुछ एक सर बिल्डिंग देख के लोगों को लगता है कि बहुत महंगा होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो सर्जरी के रेट्स हैं, जो ओपीडी के रेट्स हैं, वो लगभग लगभग सबको अफोर्डेबल है, और मार्केट के जितने और भी स्थलों से आप कंपेयर करेंगे तो कहीं भी महंगा नहीं है। वही चीज ध्यान रखते हुए यहाँ भी ऐसे ही रखा जाएगा, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पैसे को लेकर दिक्कत ना हो, लोगों को यहाँ पे आराम से उनको इलाज मिल सके। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप हमारी जनता को ये बताएं कि अगर इन केस कभी किसी को जॉइंट्स में पेन हो, जैसे कई बार महिलाओं को जॉइंट्स पेन बहुत होता है एक एज फैक्टर के बाद, तो उसके क्या ऐसे तरीके हैं जिससे वो इजीली रिलीफ पा सके? अगर बहुत ज्यादा पेन होता है देन यू आर ऑलवेज हेयर, बट इफ द पेन इज ऑन नॉर्मल वे, तो हाउ दे कैन ट्रीट देमसेल्फ? देखो, हमारा जो ये हमेशा सलाह रहती है लोगों को, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों, अपने शरीर के इन पार्ट को, अंगों को ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे अंग पुराने होना शुरू होते हैं, चाहे वो घुटने हो हमारे, चाहे कूल्हे हो, चाहे पैर हो, चाहे हमारी बैक स्पाइन हो, इनको अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं इनको पार्ट को, तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। अगर हम घुटने को लेके देखते हैं, घुटने आप एक एज बढ़ने के बाद औरतों में सबसे पहले तकलीफ होना शुरू होती है, तो ये अगर हम इसमें बचाव पे ध्यान रखें, तो शायद ये जो तकलीफ जल्दी शुरू होती है वो काफी देर शुरू हो और उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए।
Okay. इससे बचाव तरीके जैसे क्या है, जैसे बैठने अपना तरीका ठीक होना चाहिए। हम ये मना करते हैं जब भी जैसे उठने और जितने भी 40 या उसके बाद के जो मेल हो या फीमेल हो, उनको मना करते हैं कि पलथी मार के जमीन पे या ऊपर ना बैठे, क्योंकि इससे ज्वाइंट पे स्ट्रेन पड़ता है, कार्टिलेज जो अंदर गद्दी होती है वो डैमेज होती है, और जब कार्टिलेज गद्दी डैमेज होगी तो फिर ज्वाइंट में पेन होगा, चलने पेन होगा, इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि आर्थराइटिस को हम रोक तो नहीं सकते, अभी एजिंग प्रोसेस है, पर इसके जो कारण जो तकलीफें होती है उनको हम जरूर कम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। ओके। उसके लिए जैसे उबड़ू नहीं बैठना है, पलथी मार नहीं बैठना है, छोटी छोटी चोटें लगती रहती ज्वाइंट में, उनसे बचना है। अगर लग भी गई है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है, उसका प्रॉपर इलाज लेना है। यहाँ पे अगर इस चीज अगर हम इग्नोर करते हैं तो वही जो जॉइंट डैमेज तेजी से बढ़ता है और वो अगली फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है, और फिर मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होती है। फाइनली फिर मरीज को लगातार दवाएं खानी पड़ती है, उससे उसके गुर्दे और सब पेट में दिक्कत होने का डर रहता है, या उसे जॉइंट रिप्लेसमेंट ले जाना पड़ता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल है, उनको खाने से बॉडी को हार्मफुल होती है, इज इट? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। अगर निर्धारित मात्रा में निर्धारित समय के लिए मेडिसिन खाई जाती है तो नुकसान नहीं करती शरीर को, लेकिन अगर आप मेडिसिन लगातार खाते रहते हैं, उसमें भी कुछ पेनर ऐसे होते हैं जिनकी जो टेंडेंसी होती है, जिनकी जो उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो किडनी के थ्रू होती है, तो वो गुर्दे को डैमेज कर सकते हैं। Okay. या जब आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं तो पेट के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जो बचाती है पेट के डैमेज को, वो डैमेज होती है, उससे पेट में छाले या पेट में घाव होने का डर होता है। आप सर, आप हमारे ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ज्यादा ज्यादा सेफ रह सकें और अपने आप को कई चीजों से बचा सकें? यस, हम यही संदेश देंगे कि अपने शरीर को जहां तक हो सके बचा के रखिए, और इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं वेलनेस, अपने शरीर को ठीक रखो, वेल करके रखो, और इसके लिए वो चीजें सीखनी जो शरीर को नुकसान नहीं करती, जैसे खाने पीने का न्यूट्रिएंट चीजें खानी, ऐसी चीजें जो जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ये सब जो शरीर को नुकसान करती है उनको नहीं लेना है, बैठने अपने तरीका ठीक रखना है, एक्सरसाइज करना है, नियमित शरीर की एक्सरसाइज करें, चाहे वो कमर के लिए हो, चाहे गर्दन के लिए, चाहे वो घुटने के लिए हो, नियमित शरीर को एक्सरसाइज करें, वजन ना आने दे शरीर में, मोटे मत हो, अगर मोटे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको घुटने की कमर की बहुत सारी बीमारियां होंगी, डायबिटीज और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। Okay. तो वजन अपनी बॉडी पे ना लेने, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम सलाह देंगे कि जरूर अपनाएं। लेकिन इस पे तो मैं एक क्वेश्चन और होगा, मोस्टली जो जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड हो या हमारी न्यू जनरेशन हो, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वार्म अप मॉर्निंग वॉक से इग्नोर करते हैं, तो उनके लिए आगे क्या हो सकते पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है कि फिट रहना जरूरी है, और फिट रहने के लिए अपना जो कसरत एक्सरसाइज करना नियमित जरूरी है। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी फिट इंडिया के लिए कंपनी शुरू करी है, वो इसी के साथ शुरू करी गई, शायद लोग इसे सुने और समझे, शायद इसके महत्व को समझे और धीरे धीरे कसरत एक्सरसाइज को अपने नियमित लाइफ में इंक्लूड करें, तो शायद तकलीफें जो होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके बढ़ने गति कम होगी और दवाओं की जरूरत कम होगी और फिट रहेंगे। शायद बड़ी इलाज बीमारी से स्लो भी किया जाता है, उसको रोका जाता है, और आपको बार बार अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए सर, थैंक्स फॉर योर टाइम।